धीरे धीरे ऋषि भी समा गए। अब एक कुंड है जिसमें जल है। एक दिन वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति जल भरने के लिए गई और पीछे अहिल्या गई, हटो सब पहले मैं जल भरूंगी। अरुंधति बोली कि पहले तो हम आई, नहीं मेरा कुंड है, पहले मैं भरूंगी, बाद में भरती रहना। अरुंधति का भांड फेंक दिया, वशिष्ठ से जाकर के कहा कि महाराज आज से जल भरने के लिए मैं नहीं जाऊंगी, मेरा अपमान किया। वशिष्ठ ने कहा कि कल हम गौतम को रहने ही नहीं देंगे। वशिष्ठ जी ने और गणेश जी की आराधना की। वक्रतुंड महाकाय कोटिशोर समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी आ गए, क्या बात है कि तुम गौतम को कलंक लगा दो। गणेश जी काली गाय बनकर के गए, सो हरी हरी घास गौतम के कृषि के रूप में बना ली थी, सो गाय हरी हरी घास खाने लगी। गौतम जी दंडा हाथ में लेकर के आए, गाय को निकालना चाहा, गणेश भगवान गाय के रूप में पहले ही गिर गए और प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया। ऋषियों ने कहा गौतम जी ने गौवध कर दिया, गौतम जी ने गौवध कर दिया। कंकण मारते मारते दंडकारण बन से गौतम जी को निकाल दिया। नर्मदा के किनारे 12 वर्ष तक रह करके शंकर जी की आराधना के बाद में तब ऋषियों ने आप मिलाया और यज्ञ कराया। यज्ञ निष्फल हो जाती है। आज ये गया बालक नाभाग, इन्होंने यज्ञ का पूर्ण आहुति का संकल्प बोला, यज्ञ पूरा हुआ, धन को लेकर के चला, शंकर जी आ गए। तो भाई यज्ञ का बचा हुआ धन तो मेरा होता है, पिताजी ने कहा मेरा होता है, पिताजी से पूछ करके आओ। पिताजी से पूछा, क्यों पिताजी? वहां देखो महात्मा आया, वो यज्ञ के धन को ले जा रहा था, तुम तो कह रहे थे मेरा होता है। हाँ बेटा वो शंकर जी का होता है, लेकिन स्वेच्छा से दे दे तो ले आ। नाभाग ने पैसा का पैसा ही कहा, जैसे कोई एक पैसे मांगने वाला उधारी मांगने के लिए किसी के दरवाजे पर पहुंच गया, बच्चे से पूछा क्यों तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अंदर है। तो कह दो वो पैसे मांगने के लिए आएगा। बालक अंदर गया, सो पिताजी से कहा कि पिताजी वो पैसा मांगने के लिए बोहरे जी आएगा। पिताजी बोले कि ये कह दो कि पिताजी घर पे नहीं है और मैं तुम्हें बिस्कुट के लिए पैसे दे दूंगा। बालक गया और मांगने वाले से कहा कि पिताजी यो कह रहे हैं मैं तुम्हें बिस्कुट के लिए पैसे दे दूंगा, तुम तो मना कर दो। ऐसे ही नाभाग ने जाकर के कहा शंकर जी से कि महाराज यज्ञ का धन तो आपका है बचा हुआ भाग, तो स्वेच्छा से दे दोगे तो मैं ले जाऊंगा। शंकर जी से ने कहा कि आज से मेरा बचा हुआ भाग यज्ञाचार्य का ही रहेगा, आचार्य की प्रसन्नता पर मेरी प्रसन्नता है। ये नाभाग वहां से लौट करके आ गया, इन्हीं का बेटा अम्बरीश हुआ, अम्बरीश परम भागवत भक्त हुआ, एकादशी का व्रत करता था। एक बार इन्होंने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, तब तक 1000 शिष्यों को लेकर के इनके पास में दुर्वासा जी आ गया कि महाराज प्रसाद पाओ। लेकिन दुर्वासा जी ने कहा कि अभी तो मैं यमुना में स्नान करूंगा, ये स्नान करने के लिए चले गए। लौट करके आए तब तक प्रदोष लग रहा है, तो एकादशी का मतलब क्या रहता है? कहीं प्रदोष में तुम पारायण करोगे तो पुण्य मिलेगा आपको एक एकादशी का, और पुण्य नष्ट होता है 24 एकादशी का। तो प्रदोष में कभी भी पारायण नहीं करना चाहिए। वैसे तो नियम यह है दशमी को दस नियम में आता है, दो प्रहर बीत जाने के बाद में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, दशमी के दिन भी हविष्वान ग्रहण करना चाहिए। हविष्वान का आसे अर्थ रहता है हल्का भोजन। दशमी के दस नियम है हमारे हाथ से कोई जीव हत्या नहीं हो जाए, ठाकुर जी की सेवा में हाथ लगे रहें,
नेत्र भगवान का दर्शन करते रहें, पैर भगवान के मंदिर में जाते रहें, जिभ्या भगवान का गुणार वादन करती रहे। पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय, दूसरे पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, पत्तल पर स्वल्प आहार लेना चाहिए। ये ग्यारह नियम, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, और द्वादशी को बारह नियम एक ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराना चाहिए, प्रदोष में पारायण नहीं करना चाहिए। अम्बरीश ने कहा तुम्हारे ये तो प्रदोष लग रहा है, और अतिथि देव भव, दरवाजे से कहीं मैंने बिना संत को प्रसाद पवाए हुए प्रसाद पाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, संत की प्रतीक्षा करता हूं तो प्रदोष लगा जाता है तो मेरा एकासी का पुण्य नष्ट हो जाएगा, एक का नहीं चौबीस का होगा। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, सो तुलसी पत्ता और जल लेकर के पारायण करा दिया। लेकिन त्रिकालदर्शी दुर्वासा जी ने वहीं से देख लिया, क्रोध में आकर के कहा कि राजन तुम्हें हमें बिना जल कराए हुए और तुमने जल पान किया है, प्रसाद पाया है तो जाओ, मैं इसका तुम्हें दंड दूंगा। क्रोध करके जटा का एक बाल उखाड़ के जमीन पर डाला, जिसमें से कृत्याग्नि निकली, हाथ में खड़ग लेकर के अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़े। तुरंत ही अम्बरीश महाराज सामने खड़े हुए। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त को अपराध कुछ नहीं है, दंड दे रहे हैं, चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया। चक्र सुदर्शन ने कृत्याग्नि का सिर काटा और दुर्वासा के पीछे पड़ गए। दुर्वासा जी भागे पितामह ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के आ भगा दिया, क्योंकि राख को सके राम कर द्रोही। पीछे से चक्र सुदर्शन को आते देख करके वहां से निकाल दिया शंकर जी के पास। शंकर जी ने चक्र को देखा कि क्षमा कर लेता, लेकिन ये तो मेरे भक्त का अपराध है, और मेरे भक्त का जो अपराध करता है वो जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भागीरथ जी ने कहा महाराज मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तब एक बूंद निकाली, आगे चल करके जो ये नाम ऋषि थे, मैं कहीं तपस्या से खड़ा होता हूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा, बैठा रहूंगा तो गंगा जी में डूब जाऊंगा। सो बाया हाथ बढ़ा करके जो ये नाम ऋषि पी गए, इसलिए इनका नाम जाह्नवी पड़ गया। स्वामी मेरे पूर्वज का उद्धार, कह दो शंकर जी से दूसरी बूंद निकाल दे। दूसरी बूंद निकलवा करके लाए, आगे अगस्त जी बैठ गए। सो एक चुल्लू में अगस्त जी ने पी लिया। भागीरथ ने कहा महाराज मेरे पूर्वज का उद्धार कैसे होगा, तो राजन इसको तो मैंने पी लिया और मूत्र कक्ष से निकालूंगा तो खारा बन जाएगा, बमन क्रिया करूंगा तो अपवित्र हो जाएगा। तो मूत्र कक्ष से निकाला जिसका समुद्र बना, और कह दो शंकर जी से मेरे ऋणिया है, तीसरी बूंद निकाल दे। कैसे ऋणिया थे कल कथा मैं सुनाऊंगा। तब तीसरी बूंद निकाली, त्रिपतगामिनी नाम पड़ा। पूर्वजों की हड्डी गिरते ही सब विमान में बैठ करके गौलोक को प्रस्थान कर गए।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे भागीरथ महाराज इनके बाद में एडवर्ड इनके यहाँ विश्व सहा वैश्य से क्या खटबांग खटबांग के यहाँ दीर्घ बाहु दीर्घ बाहु के यहाँ रघु और रघु के यहाँ दशरथ नामक बेटा पैदा हुआ। लेकिन दशरथ जी औरस पुत्र हैं। औरस किसको कहते हैं? स्वयं का बालक नहीं है। राजा आज की कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ ने सोचा कि उपरोहिती कर्म अति मंदा, ये कर्तव्य अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? कि आप दान लेते रहोगे और दान को पचाने के लिए भजन की आवश्यकता रहती है। आप भजन नहीं करोगे तो ये दान ठीक नहीं है। सो वशिष्ठ महाराज मध्य में इस सूर वंश के कुलपुंज पने को छोड़ करके अन्यत्र चले गए। उस समय एक सुदर्शन नाम के गुरु थे, वो सूर्य वंश के कुल पूज्य बने। एक दिन गुरुजी ने सुदर्शन जी ने सोचा कि राजा के यहां कोई बालक नहीं है, सो भिक्षावृत्ति करने के लिए चले गए। राजा के सामने भी हाथ फैलाया, भिक्षाम देही। राजा ने कहा कि गुरुजी तुम भिक्षा मांग रहे हो? हाँ इच्छा है। आदेश किया, तुरंत ही हीरा जवाहरात ला करके इनको भिक्षा में डलवाया। गुरुजी ने कहा हमारा इस भिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो क्या भिक्षा चाहिए? ये तो कर का धन है, ये तो तुम्हारी प्रजा ने जमा किया है, कर का धन है। तुम्हारी मेहनत का कोई धन हो तो आप दे दीजिए। राजा ने कहा कि मैं तो कई बोए जोते हुए भूमि में भी नहीं गया, हाथ का धन क्या कमा सकता हूं। लेकिन मेरे दरवाजे से गुरुजी बिना भिक्षा लिए चले जाए वो भी अच्छा नहीं है। गुरुजी सुबह डालूंगा और रात्रि को राजा ने जाकर के शहर में एक लोहा पीटने वाले की दुकान खुली थी, सो उस पर घन चलाया। अब फूल जिसने उठाया नहीं उसे घन कैसे चलाया जा सकता है। हाथ में फपोले आ गए और फपोले आते ही कहा भैया मेरी तनख्वाह दे दो। दुकान मालिक बोला कितना मेहनत किया, क्या तनख्वाह दे दूं, कुछ तो बनेगा। एक कच्चा पैसा दिया और कच्चा पैसा दिया। राजा ने सुबह गुरुजी से कहा महाराज और तो मेहनत का नहीं है, इसे आप ले जाइए। गुरुजी इस कच्चे पैसे को लेकर के आए, इसे धर्मपत्नी को दिया। अर्धांगिनी ने कहा कि राजा के यहां से और ऐसा भिक्षा, क्रोध में आकर के उस कच्चे पैसे को झोपड़ी से फेंका, सो पीछे जाकर के गिरा। उसमें एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसमें हीरा जवाहरात लगने लगे। एक दिन उस जवाहरात को लेकर के एक जौहरी के पास में गए, भैया क्या कीमत है इसकी? जौहरी ने कहा कि कहीं इसकी कीमत में कम करता हूं तो जौहरी के साथ में घटना घट गई। क्या घट गई? कि एक कोई कुंभकार था, वो गधा से मिट्टी ला रहा था और मिट्टी में एक हीरा मिल गया। अब वो कुंभकार उस हीरा को नहीं पहचानता था, उसने गधा के कंधे पर बांध दिया। गधा इधर से निकले उधर से निकले, जौहरी ने पहचाना कि जानता नहीं है और नहीं तो हीरा को गधे के कंधे पर नहीं बांधता। सुकुमार से वो जौहरी बोला अरे भैया ये तुम्हारे गधे के कंधे में जो चमकीला पत्थर लगा हुआ है क्या इसे बेचोगे? कुंभकार बोला क्या दे दोगे तुम? कि तुम मांगो कि नहीं तुम ही बता दो। तो कहा मैं इसका 5 रुपया दूंगा। कुंभकार ने कहा कि 5 रुपया तो पूरे दिन गधा चलाने पर मुझे मिलेगा, आप ले लो। उस हीरा को 5 रुपये में दे दिया। जैसे ही जौहरी ने हीरा लेकर के कसौटी पर रखा, हीरा बिल्कुल खील खील फूट गया। जौहरी ने कहा जब गधे के कंधे में बंधा था तब तू फूटा नहीं और मेरी कसौटी पे आकर के फूट गया। हीरा बोला जौहरी गधे के कंधे में कोई दर्द नहीं था, जब मैं गधे के कंधे में था तो जब गधा के कंधे था रही न कोई पीर। गधा के कंधे में था तब कोई पीर नहीं थी। बोले जब कदर्व के कंध था रही न कोई पेर, कदर न जानी जोहरी
सुया से फटा शरीर। गदा के कंधे में बना था तो गदा क्या मुझे जानता थोड़ी था, पर जौहरी तुझने मुझे पहचान करके मेरी कीमत 5 रुपया। हीरे की कीमत तो जौहरी पहचानता है ना, इसीलिए हीरा फट गया। आज जौहरी सोच रहा है कि मैं जवाहरात की कीमत कम करता हूं तो कहीं हीरा की तरह न हो जाए। सो गुरु जी को इतना धन दिया कि राजा अज के भवन से बड़ा भवन सुदर्शन जी ने बनवा लिया। एक दिन राजा ने देखा, मंत्री से पूछा, किसका भवन है? कि तुम्हारे गुरु जी का। तो कि वो तो भिक्षावृत्ति करते थे, धन कहां से आ गया? क्यों गुरु जी, ये काला धन ले मारा यापाई की कृपा है, आपने भिक्षा दी उसमें वृक्ष उत्पन्न हुआ, जवाहरात बेचा ये धन मिल गया, तो वृक्ष कहां है? कि ये लगाए। वृक्ष को देख करके कहा कि ये वृक्ष तो राजा महाराजाओं के महलों में अच्छा लगेगा, तो स्वामी आप ले जाओ। अब यह वृक्ष को खुदवाने के लिए राजा अज ने प्रयास किया, दिव्य खोदा गया, दिव्य एक रथ निकला, 2 रथ निकले, 8 रथ निकले, 9 रथ निकले, लेकिन इसकी जड़ फिर भी नहीं निकली। कहते ना पुण्य की जड़ पाताल तक होती है और पाप की जड़ अस्पताल। थोड़ा सा बेकार पैसा जाएगा तो जरूर अस्पताल जाना पड़ेगा। और उसको दिव्य खुदवाया तो 10वां रथ निकला और 10वें रथ पे एक दिव्य बालक निकला। और दिव्य बालक को देख करके महाराज बोले कि हो गया कल्याण, मुझे किसी वृक्ष की आवश्यकता नहीं है। 10वें रथ पे निकलने से 10 रथ नाम बालक को ले लिया, बालक युवराज पद पा गया, बड़ा हो गया। आज के बाद में 10 रथ ने शासन किया, 750 रानियों से विवाह संस्कार किया, लेकिन किसी रानी से कोई भी बेटा नहीं हुआ। एक दिन पित्ती सरों को जलदान कर रहे हैं और जलदान करते समय आकाश मार्ग से आकाशवाणी हुई, ओ अभागे दशरथ, अब तक तो तू हमें जलदान दे रहा था, लेकिन तेरे मर जाने के बाद में कौन जलदान करेगा? तुम्हें पता है, तुम्हें क्या घर में? मैंने तो समझा कि राम जी मुझे वन में मिलेंगे, कोई सामान्य संत नहीं, विश्वामित्र, संसार के जो मित्र है तो उनका कहना ही क्या है। विश्वामित्र समय कैसो से आश्रम कैसा है, विश्वामित्र समय शुभ, जानी और बसाएं विपिन शुभ आश्रम। जंगल में बड़ा बहुत अच्छे आश्रम में रह रहे हैं, सोचा कि यहां मुझे राम जी का दर्शन होगा। मैं यहां की जनता को बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैंने किसी से ये नहीं कह पाया है, क्योंकि कथा में माता बहनाओं को शांति से बिठाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जगह जगह जाता हूं, ए माता जी चुप हो जाओ, ए बहन जी बाल्य को चुप कर लो, ये कहते रहता हूं, पर बड़ी यहां गर्मा की बात है कि मैंने 5 दिन के अंतराल में किसी से ये नहीं कह पाया कि बहन जी तुम चुप हो जाओ या बैठ जाओ। वास्तव में यह धन्यवाद के पात्र हैं, और भैया पुरुष पर भैयाओं का तो कहना ही क्या है, लेकिन अब की बार पीछे से कौतूहल कैसा हो रहा है। अच्छा बहन जी खड़ी हो, अरे चलो कोई बात नहीं, एक बार खड़े होने का कोई बात नहीं है, पर बैठ जाओ। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की। आज विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैं राम जी को पाने के लिए वन में आया और इन्होंने दर्शन दिया घर में, लेकिन मैं भी संकल्प करता हूं कि इनका घर छुटा दूंगा, और इन्होंने कहीं मेरा वन बसा दिया तो मैं भी इनका घर बसा दूंगा। तुरंत ही आए विश्वामित्र जी, जलपान सरजू में किया, गए भूप दरबार। विश्वामित्र जी की सुनते ही दशरथ महाराज थर थर कांपने में लग गए, क्योंकि अयोध्या में केवल 3 बार विश्वामित्र जी आए। एक बार आए तो वशिष्ठ महाराज के 100 बेटा में से 99 पुत्रों को मारा गया, केवल एक बेटा शक्ति बचा। और दूसरी बार अयोध्या में आए तो काशी जी में जाकर के हरिश्चंद्र को बिकना ही पड़ा। और तीसरी बार ये अवध में आ रही है
तो इस अयोध्या पर किस 7.5 सदी की दशा आ रही है। लेकिन संत आ तो रहे ही है, दौड़ी दौड़ी पहुंची महाराज, बड़े स्वागत किया, ला करके मंच के ऊपर बिठा दिया। महाराज आदेश करो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? तो मैं कहने में विलंब होगा लेकिन मुझे करने में नहीं होगा। विश्वामित्र जी बोले, मेरी इच्छा हुई, मैं चला आया। राजन, असुर समूह सेना लेकर के चलूं? विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं सेना की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आया। तो क्या महाराज मैं उस सेना राक्षसों को मार नहीं पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले कि मैंने कब कहा कि तुम मार नहीं पाओगे? तो महाराज मुझे लेने ही चलोगे? कि अब की बार में मारने वाले को लेने के लिए नहीं आया, तो किसको लेने के लिए आया हो? अब की बार में तालने वाले को लेने के लिए आया हो। तो तालने वाला कौन है? तो जैसे विश्वामित्र जी आए, तो सबसे पहले दशरथ जी ने राम जी से प्रणाम की कराया, विश्वामित्र ने ऐसे बिठा लिया। दूसरे नंबर पर भरत जी आए, भरत जी ने प्रणाम किया तो इधर बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो राम जी के नीचे बिठा लिया। शस्त्रगण ने प्रणाम किया तो भरत के नीचे बिठा लिया। मैं मारने वाले को नहीं, मैं ताड़ने वाले को लेने के लिए आया हूं। दशरथ जी का भरत ताड़ने वाला कौन है? कि अनुज समेत छोटे भाई के साथ, ये जोड़ी चाहिए। अनुज समेत देव रघुनाथा। दशरथी बोले, मांगो भूमि धेन धन कोसा, सर्वस देव आय से रोसा। विश्वामित्र ने कहा कि नहीं महाराज, भूमि नहीं चाहूं, वो भूमि हारी राम देव, और कोस नहीं चाहूं, मैं चाहूं कौशलेंद्र सरकार को। किंतु न सर्वस तुम्हारो चाहूं, राजन तुम्हार देना चाहो तो सर्वस भगवान को। मुझे भूमि देनु इनकी कुछ की आवश्यकता नहीं, इसको दे दो। अब दशरथ जी घबराए, वशिष्ठ महाराज समझ गए, तुरंत ही आ गए। कई वशिष्ठ बहुविध समझावा, एक विधि से नहीं अनेक विधि से। तुम सोच रहे हो कि हरिश्चंद्र की तरह बिकना पड़ेगा तो वो नहीं होगा। तुम समझ रहे हो मेरे पुत्रों की तरह मर जाए तो वो नहीं होगा। अब तो ये दो ले जाएंगे, उधर से चार होकर के आएंगे। मरे तो पहुंचा दो। तो कौशल्या से कौन कहेगा कि हम कहेंगे? बस इसने कौशल्या जी से कहा कि तुम्हारे बच्चे सयाने हो गए। और जब बच्चे सयाने हो जाते हैं ना, तो फिर संबंधी जनों के पास में रिश्तेदारियों बच्चों को जान बान के पहुंचाते हैं कि लोग देखें कि बच्चा विवाह के योग्य हो गया है। भाई बच्चा जब को पता ही नहीं चलेगा तो संबंध के लिए कौन आएगा? बालकों से कहा अब इनको घुमाओ और कौशल्या ये महात्मा ले जाएंगे, दो उधर से चार होकर के आएंगे, दो बहू आवेगी। माता बहनों को बहू की बड़ी खुशी होती है, चाहे बेटा 5 वर्ष का है। महाराज बहुत थकित हो जाते हैं, गृह कार्य होता नहीं, एक बहू तो चाहिए। और दूसरे दिन से भले ही गृह युद्ध चालू है जाए पर बहू चाहिए। कौशल्या ने बिल्कुल मना नहीं किया, दोनों बालकों को पहुंचा दिया। तारिका को मारा, यज्ञ पूरा करवाया, अहिल्या को उद्धार किया। रावण की कथा बहुत है। अंततः इन्होंने राम जी ने जा करके धनुष को भी तोड़ दिया। धनुष तोड़ करके राम जी बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी सीना तान करके चल रहे हैं। कभी इधर से निकल जाते हैं, कभी उधर से निकल जाते हैं। जैसे किसी गांव का कोई बालक अच्छा काम कर दे ना, परीक्षा में अच्छी पास कर ले या अच्छा पद मिल जाए, तो वैसे घूमने के लिए कभी नहीं जाएगा, पर फिर तो गांव में जरूर जाएगा। इधर से निकलेगा, उधर से निकलेगा। लोग हमसे पूछे, वो बहुत बहादुरी की है, अच्छा काम किया है। आज इधर से उधर लक्ष्मण जी निकल रहे थे कि सखी ने कहा कि क्यों लक्ष्मण, तुम्हें किस बात का घमंड है? आप क्यों सीना तान रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हें बताए, हमारे भैया का दर्शन जुग जुगांतर, कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर, किसी का विशेष पुण्य इकट्ठा होता है तब हमारे भैया का दर्शन होता है। उन्होंने कहा ये तो होगा आबदवासियों के लिए, और तुम्हारे यहाँ तुम्हारे भैया हमारे जनकपुर में तो बिना बुलाए ही चले आते हैं। किसकी कृपा से?
बोले सोच तीर्थ धाम अनेकन है, अरे सबको अपनी अपनी गरिमा है, किंतु विदेहपुरी लख के लघु लागत मोई सबे उपमा है। मिथिलेश से भूप राजेश जहां सबसे बल के मिथिला महिमा है, महिमा मिथिला की नहीं सजनी जिनकी माहे माँ। मैं माने पृथ्वी जिनकी माँ है वो किशोरी जी की कृपा से तुम्हारे भैया हमारे यहाँ बिना बुलाए चले आते हैं। और बिना बुलाए नहीं आए तो बताओ तुम्हारे लिए चिट्ठी गई थी क्या? लक्ष्मण जी ने कहा कि चिट्ठी गई थी, चिट्ठी गई तो बताओ कि कोई चिट्ठी साथ लेकर के चलता है? तो तुम्हारे भैया राम जी कह दें कि हमारे लिए चिट्ठी गई थी तो हम मान लेंगे। लक्ष्मण जी पहुंचे राम जी से कहा कि भैया सखियां हास प्रयास कर रही हैं, सो उन्होंने ये कह दिया था कि तुम्हारे लिए चिट्ठी नहीं गई है, और मैंने कह दिया कि चिट्ठी गई थी, सो तुम्हारी कह रही है तो उनसे कह देना कि हाँ चिट्ठी गई थी। राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं झूठ बोल जाऊं? अरे कि ससुराल है, ससुराल में तो विनोद में झूठ बोला ही करते हैं, भैया कह दूंगा। और राम जी को बुला करके सखियों के बीच में खड़ा कर दिया। सखियों ने पूछा क्यों राम जी चिट्ठी गई थी? राम जी बोले सखी चिट्ठी नहीं गई थी। पीछे लक्ष्मण जी क्या कहा महाराज? हाँ कि चिट्ठी गई थी। सखियों ने कहा क्या कहा महाराज? चिट्ठी नहीं गई। लक्ष्मण जी क्या कहा महाराज? आगे चिट्ठी गई थी। सखियां बोली मतलब क्या है, चिट्ठी गई थी कि नहीं गई थी? राम जी बोले कि सखी चिट्ठी गई भी थी और नहीं गई थी, मतलब क्या है? बोले गई थी गुरुजी के पास में और नहीं गई थी हमारे पास में। तो फिर तुम कैसे आए? लक्ष्मण जी बोले धनुष यज्ञ सोने धर ध्यान सुनो धनु धारी गारे मिथिला के, धनुष यज्ञ सुनी ब्याहयो मग में, धनुष यज्ञ सुनी ब्याहयो मग में, बिनु चिट्ठी को सिकमुनि संग में, बिनु चिट्ठी के सिकमुनि संग में, पनि आए कमंडल धारी गारी मिथिला श्री रघुबर अवध बिहारी नारी मिथिला की, धनु धारी गारी मिथिला की। बिन चिट्ठी कौशिक मुनिसन में किशोरी ये सखियां बोली कि तुम्हारे लिए चिट्ठी नहीं गई है, गर्दन नीचे करो। लक्ष्मण जी बोले हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के कभी गर्दन नीचे नहीं होती है। उनका तुम कैसे क्षत्रिय? अभी ये क्षत्रियों का काम होता है? लक्ष्मण का कौन सा काम? अभी रास्ते में आते आते हमने सुना है मग में मिली है मध्यशिला के, प्रगट करी पग धोल छुला के, राजकुमार या मदारी। अभी रास्ते में तुमने पत्थर में से नारी बनाई, तो ये क्षत्रियों का काम है कि मदारियों का काम है? लक्ष्मण जी का ये तुम्हारा पुरुषार्थ था। सखी बोली तो क्षत्री कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। लक्ष्मण जी बोली हमने किसी के सामने हाथ फैलाया? अरे अभी अभी सुबह तुम गए थे दैन शिरोमणि महिमा मंडित, और फुलबारी में पुष्प चयन हेतु बने मलियन आगे भिकारी गारी मिथिला की, बने मलियन आगे भिकारी गारी मिथिला की, सरदार सुना सरदारी गारी मिथिला की, उधर अवध बिहारी गारी मिथिला की। अभी तो
तुमने जाकर के गुरुजी की पूजा के लिए पुष्प लिया और माली से ही मांगा, छत्री कभी ऐसे मांगता है? लक्ष्मी ने कहा ये तुम्हारा पुरुषार्थ, हमें इस बात का घमंड है, हमारे भैया ने धनुष को तोड़ा। सखियों ने कहा ये झूठी खबर तुम्हारे पास में कहां से आ गई, कौन कहता है कि धनुष तोड़ा राम जी ने? लक्ष्मण जी ने कहा कि इतनी भरी सभा में चाहे जो कह देगा कि राम जी ने धनुष तोड़ा तो किसी से कहलवा दो। अब पूरी सभा में लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई झूठी बात तो है नहीं, सत्य बात है, कोई भी खड़ा होकर के कह दो कि राम जी ने धनुष तोड़ा है। लेकिन पूरी सभा में कोई खड़ा नहीं हुआ, और कोई खड़ा तो तब हो किसी के सामने तोड़ा हो तो, क्योंकि राम जी ने धनुष तोड़ा तो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू ने लखा, लखमाने देखना, किसी ने देख ही नहीं पाया। आज का व्यक्ति काम करेगा तो ऐसा पता चलेगा कि हम काम करते हुए दिख जाए, और छोटे से काम में बहुत समय होगा तो भैया छोटा सा काम नहीं हो पाए, अब कर तो रहे हैं नहीं हो रहा तो हम क्या करें। लेकिन राम जी का मतलब क्या था कि काम हो जाए और करते हुए नहीं दिखें। आज का मानव करते हुए दिख जाए, काम हो या ना हो कोई चिंता नहीं। राम जी काम करते हुए नहीं दिखते थे और काम हो जाता था, किसी ने देख नहीं पाया, पूरी सभा में किसी ने नहीं कहा। लक्ष्मण जी बोले कि भैया राम जी कह दें तब तो तुम मान लोगे? हाँ कि तब तो हम मान लेंगे। अब लक्ष्मण जी पहुंचे राम जी के पास, भैया पहले वाली बात तो झूठी थी, चलो चिट्ठी तो गई नहीं थी, पर अब ये बात तो सच है कि तुमने धनुष को तोड़ा है, सो सखियों से कह दो कि हाँ धनुष मैंने तोड़ा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी मैं कैसे कह दूं कि मैंने धनुष तोड़ा है? तो कि स्वामी तुमने तोड़ा नहीं है। कि मैंने धनुष तोड़ा थोड़े ही था, तो क्या किया? तो मैंने तो छू करके देखा था, छुअतई टूट पिनाक पुराना, और मैं के हेतु करो अभिमाना। और तुमने भी परशुराम जी से कहा था कि छुअतई टूट रघुपति नहीं दोसु, छूने से धनुष टूट गया, मैं अभिमान करूं कि मैंने तोड़ा है। लक्ष्मण जी बोले कि तुम्हारे तो छूने से टूट गया, और राजाओं ने तो दूर से दर्शन किया होगा। हाँ भैया लक्ष्मण, मैंने धनुष को तोड़ा उस समय टूटने का समय आ गया, अन्य राजाओं ने धनुष को तोड़ा उस समय टूटने का समय नहीं था, क्योंकि विश्वामित्र समय शुभ जानी। कौन सा शुभ समय? क्योंकि शंकर जी ने धनुष के ऊपर राहु को बिठा दिया। राहु ने कहा मारे कब तक बैठा रहूं? कि जब तक सब राजा बलहीन नहीं हो जाए तब तक बैठे रहो। तो मुझे कैसे पता चलेगा? कि जनक जी कहने लगे मेरी पुत्री कुआरी रह गई या वीर से पृथ्वी खाली हो गई, तो समझ लेना कि अब कोई धनुष उठाने वाला नहीं है। और जैसे ही सब राजा बलहीन हुए, जनक जी ने कहा, राहु ने समझा कि अब कोई राजा नहीं है, सो अपनी गर्ता को हटा लिया, अपने भार को हटा लिया। विश्वामित्र जी भी त्रिकालदर्शी थे, तुरंत ही समझ गए कि अब धनुष फूल जैसा हो गया। उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परतापा, सहजे चले सकल जग स्वामी, ओ मन मत बर कुंजर गामी। और राजा कैसे जा रहे हैं? तमक ताक तक बड़े जोश में, मैं तोड़ दूंगा, सीता को छीन लूंगा। और राम जी कैसे जा रहे हैं? सहजे, क्योंकि राम जी का तो स्वभाव ही ऐसा, सहजे चले सकल जग स्वामी, मनो मत पर कुंजर गामी। जैसे मत वाला हाथी चलता है, आपने कभी देखा होगा, शायद अब तो देखने के लिए नहीं मिलता है, बहुत कम मिलते हैं। पहले 10-20 वर्ष पहले गांव गांव हाथी आया करते थे, महात्मा जी गांव में हाथी लेकर के आते थे, पूरा गांव हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता, जय हो गणेश भगवान, जय हो गणेश भगवान। और छोटे छोटे बच्चों से कहते बेटा गणेश भगवान के लिए हाथ जोड़ो, छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते। लेकिन एक बड़ी विडंबना थी, पूरा गांव हाथी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होता, लेकिन पूरे गांव के कुत्ते आकर के हाथी के पीछे भौंकते, इतने जोर से इकट्ठे होकर के भौंकते। लेकिन उन कुत्तों से ये पूछो भैया तुम्हें हाथी से क्या परेशानी, हाथी तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा? तो मैं जानता हूं कि वो कुत्ते यही कहते कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं है,
तो फिर किस बात की परेशानी कि हाथी के सामने हाथ जोड़ने से हमें परेशानी है। आजकल किसी के हाथ जोड़ते हुए दिखते हैं तब परेशानी होती है, लेकिन तुमने हाथी को देखा है? हाथी हाथ जोड़ने वालों के सामने तो कभी खड़ा नहीं रहता और भौंकने वाले कुत्तों को कभी मुड़ करके देखता नहीं है। उसकी चाल में मस्ती होती है, उसके जीवन में एक्शन होता है, लेकिन रिएक्शन कभी भी नहीं होता। चाल में मस्ती होती है, ऐसे ही राम जी के भक्त होते हैं, गुरुदेव के भक्त होते हैं, उनके जीवन में मस्ती होती है। ऐसे ही आज राम जी मत वाले हाथी के समान चले। किशोर जी ने सोचा कि आज सांवला सरकार जा रहा है, तो गणेश जी से बोले कि गणेश जी आज मेरे वरदान को दे दो। गणनायक वरदायक देवा आज लगो तुम कीनी सेवा। गणेश जी का क्या वरदान लोगी? कि धनुष का भार कम कर दो। गणेश जी बोले कि हमारा ही इतना भार है कि हम अपना वजन कम नहीं कर सकते, तो धनुष का कैसे कर दे? किशोरी जी ने कहा कि तुम्हारा वजन ज्यादा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वजन को एक छोटा सा चूहा अपनी पीठ पे रख लेता है। वजन तो समाज में उसका ज्यादा है जिसका वजन कोई उठा नहीं पावे, और तुम्हारे वजन को तो एक चूहा ही पीठ पे रख लेता है, तुम्हारा वजन ज्यादा नहीं है। गणेश जी ने कहा तो प्रयास करूंगा, लेकिन किशोरी जी ने सोचा कि ये प्रयास करेंगे तब तक तो सांवला सरकार पहुंच ही जाएगा। सो धनुष से कहा कि तुम ही हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा कि भरे समाज में कोई भी हल्का बनता है कि मैं ही हल्का हो जाऊं? समाज में तो मूछ में ताव, हम किससे कम है? मूछ में ताव लगा करके बैठेंगे, घर में जाकर के भले ही हल्के बन जाए। किशोरी जी ने कहा कि समाज को देख करके नहीं, तो किसको देख करके? तुम तो ये देखो कि तुम्हें उठाने के लिए कौन आ रहा। बताओ तीन लोग का नाथ परब्रह्म परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार जिसका वजन उठाने के लिए आ रहे हैं और उनका भार भी कम नहीं होगा, तो फिर संसार में किसका भार कम होगा? धनुष ने कहा कि बात तो सत्य कही है, तो मैं कितना हल्का बन जाऊं? 10 किलो का बन जाऊं, 5 किलो का बन जाऊं, 1 किलो का बन जाऊं? किशोरी जी ने सोचा कि सांवली सरकार का तो ये भी नहीं पता है, क्योंकि गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए गए। अगैन का महीना, सर्दी का समय, सुबह तो पूजा की जाती है, 7 बजे के समय पे फूल तोड़ने के लिए गए, तो तोड़े तो सुमन पसीना आवे। फूल तोड़ने में जिन्हें पसीना आ सकता है उन सांवली सरकार का कितना कोमल शरीर होगा। कहीं मैंने कह दिया कि 1 किलो के धनुष बन जाओ जी, उसको भी नहीं तोड़ पाए तो क्या होगा? किशोरी जी बोली, भगवान बोले आज्ञा दई सियाने, धन तू हो जाए उतना हल्का, और जितना भी ये उठा सके तू हो जाए उतना हल्का। मैं नहीं कहूंगी 10 किलो का कि 1 किलो का बन जाओ, जो तोड़ दे उतने हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा तो मैं फूल जैसा हुआ जाता हूं। राम जी गए, सहजे चले सकल जग स्वामी, लेकिन धनुष ने कहा कि इस वजन को ले कहां जाऊं? किशोरी जी ने कहा कि इसमें कुछ बिना वजन के राजा हैं, चाहे तब खड़े होकर के कहने लेते हैं हम सीता को छीन लेंगे, हम रास्ते से झपट लेंगे, तो अपना वजन लेकर के कुछ राजाओं के ऊपर डाल दो, ले जो जड़ता लोगों ने पर डालो, सो इनमें कुछ वजनदारी आ जाए। धनुष ने भार लेकर के राजाओं के ऊपर डाला, फूल जैसे बन गए। राम जी गए, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू ने लखा देख सब ठाड़े, तय क्षण राम मध्य। मध्य का अर्थ क्या है? 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं, बीच वाले राम जी मध्य लोक में, या क्यों यो कहो पहले परशुराम बाद में बलराम, बीच वाले हमारे श्री राम, इन्होंने धनुष को तोड़ा, या यो कहिए पूरी भरी सभा के मध्य में धनुष को तोड़ा, या यो कहिए न इधर से न उधर से बीच मध्य से धनुष को तोड़ा। तय क्षण राम मध्य धनुष तोड़ा, परे भुवन पर घोर कठोरा, जय जयकार होने लगी, उधर में बड़ा उत्सव हो रहा है।
अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे श्री राम जी ने धन्यवाद तोड़ दिया रे श्री राम जी ने धन्यवाद तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे श्री राम जी ने धन्यवाद तोड़ दिया तोड़ दिया रे श्री राम जी ने धन्यवाद। अभी ना थोड़ा विलंब होगा। राजा जनक के प्रतिज्ञा निभाई राजा जनक के प्रतिज्ञा निभाई सिया दुसना का तोड़ दिया रे श्री राम जी ने धन्यवाद सिया दुसना का तोड़ दिया रे श्री राम जी ने धन्यवाद बड़ा उत्सव हो रहा था लेकिन दो लोग धनुष के पास में पहुंच गए। भरे समाज में भरे गांव में एक दो लोग ऐसे हुआ करते हैं वो अच्छाइयों को नहीं देखेंगे लेकिन बुराइयों को जरूर देखेंगे। दो लोग धनुष के पास जाकर के कहने लगे कहो अब तो ठीक रहे अब तो टूट गए पहले हम कहते थे तब तो मानते नहीं थे और चले जाओ उनके संग में। जैसे दो गांव में कोई का मित्र हो बिगड़ जाए तो तीसरा लोग जरूर कहता है लेकिन अब तो तुम टूट गए। धनुष ने कहा कि कौन कहता है हम टूट गए हम तो जुड़ गए। कैसे कि हमारे एक टूटने से समाज के दस लोग जुड़े हैं तो हमारा टूटना भी सार्थक रहता है। तो तुम्हारे टूटने से कौन जुड़ा कि हमारे एक टूटने से सीताराम जी जुड़ गए हमारे टूटने से जनक जी और दशरथ जी जुड़ गए हमारे टूटने से वशिष्ठ और सतानंद जी जुड़ गए हमारे टूटने से जनकपुरवासी और अवधपुरवासी जुड़ गए और एक टूटने से इतने जुड़े हैं तो ये तो हमारा सार्थक है। कुछ नहीं तुम टूट तो गए। धनुष ने कहा कि धनुष होता है अहंकार का प्रतीक और यह शरीर से अहंकार टूटता है तो समाज जुड़ता है और अहंकार शरीर में आता है तो समाज टूटता है। लेकिन हमारा अहंकार टूटा हमारा गुण संस्कृत में रस्सी को कहते हैं गुण हमारा गुण नहीं टूटा और द्वैत होना तो जरूरी है क्योंकि द्वैत के बिना भक्ति होती नहीं है। एक हाथ राम जी के चरणों में और एक हाथ किशोर जी के चरणों में। लेकिन धनुष की डोरी अनुराग की रस्सी बंधी है हम टूटे नहीं हम तो जुड़ गए। उसने कहा तुम्हें उठाया और पटक दिया। उनका ये तो हमारा सौभाग्य था कि उठे तो राम जी के हाथों उठे और गिरे तो दर दर की ठोकरें नहीं खाई हम राम जी के चरणों में ही गिरे। राम जी ने कहा मैं तुम्हें वैकुंठ पहुंचाना चाहता हूं। मैंने कहा महाराज मैं तो प्रेम की भूमि में रहने वाला हूं। राम जी ने कहा वहां जाओ तो वैकुंठ रहो यहां रहो तो हमारे चरणों में रहो। इसलिए मुझे तो राम जी का चरण में मिला है। बड़ा उत्सव होने लगा जय जयकार होने लगी। दो दूत पहुंचे दशरथ महाराज के पास में कि महाराज बारात की तैयारी करो। दूतों को देख करके दशरथ जी वशिष्ठ महाराज को बुलाया पत्रिका पढ़ी खट्टी मीठी पत्रिका। खट्टी मीठी क्या था पूरा विवरण लिखा हुआ है। तालिका को मारा ये खट्टा भी हो गया तालिका को मारा ये खट्टा भी हो गया भैया को सारा ये मीठा भी बन गया भैया को सारा ये मीठा भी बन गया पत्रिका में पूरा खट्टा मीठा अच्छा बुरा लिखा हुआ था। दशरथ जी ने कहा महाराज तो क्या है कि विवाह की तैयारी तो बारात की तैयारी करो। बारात की तैयारी होने लगी तब तक कुछ लोगों ने सोचा कि शायद हमारा नंबर आया कि नहीं आया सो पहले ही निकल पड़े और रास्ते में कहते चले जा रहे हैं श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और गाते हुए चले जा रहे हैं मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे और यहां मर गए सत्तू खात
लड्डू मिलेगा, पूड़ी मिलेगी, कचौड़ी बर्फी मिलेगी, लोग बिना कहे हुए चल दिए। अभी दशरथ जी वशिष्ठ महाराज घर से नहीं निकले हैं, तब तक तो आधे मार्ग में बारात पहुंच गई। कोई पूछता कि इतनी बड़ी बारात, बड़े ठाट बाट में बराती कहते हैं, तुम्हें पता नहीं क्या? राजाधिराज महाराज अयोध्या नरेश दशरथ नंदन के पुत्र श्री राघवेंद्र सरकार की बारात जा रही है। लोगों ने कहा कि विवाह कब का है, तो नहीं विवाह तिथि ज्ञात, ये किसी को नहीं पता है कि विवाह कब होगा। लोगों ने पूछा विवाह की तिथि याद नहीं, दूल्हा कहाँ है, बिना दूल्हा के बारात होती नहीं है। दूल्हा तो ससुरारी में बैठे, बारात आज जा रही है और दूल्हा छह महीने पहले ससुराल पहुंच गया। लोगों ने कहा दूल्हा पीछे आ रहा, लोग देखते गए, बारात निकलती गई, पीछे वालों से पूछा कि भैया दूल्हा कहाँ है, कि आगे निकल गया, भीड़ में निकल गया होगा। उन्होंने कहा कि काम करिए, एक बार तो झूठ बोलने से काम चल गया। वैसे मेरे प्यारे हो, एक बार झूठ बोलो और उस झूठ को छुपाने के लिए तुम 100 झूठ बोल करके आओ, पर फिर झूठ झूठ ही रहता है। उन्होंने कहा एक बार तो झूठ से काम चल गया, अब की बार नहीं चलेगा, तो एक काम करो, असली नहीं देखे नकली दूल्हा बना लो, लोगों से कहते देखेंगे ये दूल्हा है और वहां टालेंगे। वशिष्ठ ने कहा तो किसको बनाओगे? वशिष्ठ जी कहने लगे भरत राम ही की नुहारी और सहसा लखन पर नर नारी। भरत जी में राम जी में कोई अंतर नहीं है, तो भरत को दूल्हा बना लो। भरत जी को नकली दूल्हा बना लिया। जब वहां पहुंचे जनक जी के महाराज के पास में, धीरे से दशरथ जी ने कहा कि असली दूल्हाओं को ले आओ, सो नकली दूल्हा टाले। दो दूत राम जी को लेने के लिए गए, सो सखियों ने मना कर दिया, अभी मिथिला की बहुरेत बाकी, ओ क्या जाने ये पूरब के बासी, का दुल्हा को तंबू में न चाहिए, सखी कहे सेवक सौ जनवास न पहुना जइए, सखी कहे सेवक सौ। अभी क्या है, हमारे यार बहुत रीति रहेगी, दूल्हा नहीं जाएगा, लेकिन मैया सुनैना को पता चल गया। और सबसे बड़ी ज्यादा चिंता रहती है तो बिटिया की माता को रहती है, कहीं बारात लौट न जाए, दूल्हा कैसा हो, कोई घटना नहीं घट जाए। मैया सुनैना खुशी से चल पड़ी और कहने लगी अरे द्वारे पे आई बारात, बारात मोरी सजनी द्वारे पे आई बारात, बारात मोरी सजनी द्वारे पे आई बारात, बारात मोरी सजनी द्वारे।